नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम पेन पेंसिल पाउच स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पेन पेंसिल पाउच स्टिच किया है। देखिए इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और इसमें देखिए अंदर की साइड में हमने देखिए पेन पेंसिल को ऐसे सेट करते हुए आप रख सकती हैं और इस पाउच को आप स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए इस स्ट्रैप से हम इसको ऐसे डाउन करेंगे तो ये देखिए स्टैंड की तरह ये रेडी हो जाएगा। इसमें इजली आप पेन पेंसिल को ऐसे निकालते हुए इसमें सेट कर सकती हैं और इस पाउच को देखिए ऐसे करते हुए लॉन्ग करते हुए जिप से इसको लॉक कर दीजिए। ये पाउच काफ़ी यूज़फुल है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है ये पाउच। फ्रेंड्स, इस पाउच को आप जरूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई भी हैंड बैग, ट्रेवल बैग या कोई भी बैग पसंद आ रहा हो तो आप मेरे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके उस बैग को परचेज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा पेन पेंसिल पाउच पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज हम ये पेन पेंसिल पाउच स्टिच करेंगे, लेट्स स्टार्ट द वर्क। तो फ्रेंड्स, पेन पेंसिल पाउच बनाने के लिए हमने 7.5 बाय 9.5 का ये टू मेन फैब्रिक्स लिया है। ये हमने मेन फैब्रिक का प्लेन पीस लिया है, इसमें हमें आज क्रोटेड पीस यूज़ नहीं करना है। और इसकी बैक साइड में हमने देखिए 6 बाय 9 का पेस्टिंग बुकरम लेते हुए यहाँ पर बैक साइड में पेस्ट कर लिया है। तो हमें 7.5 बाय 9.5 के टू मेन फैब्रिक्स लेने हैं और दोनों प्लेन पीस के बैक साइड में हमें 6 बाय 9 का बुकरम लेके इसमें पेस्ट करना है। और 7.5 बाय 9.5 की ये हमें टू लाइनिंग लेनी है और ये 8.5 बाय 13.5 का एक मेन फैब्रिक लिया है। फ्रेंड्स, इसमें भी हमें देखिए बैक साइड में इस प्लेन पीस के बैक साइड में हमें पेस्टिंग बुकरम को लेते हुए पेस्ट करना है। तो हमें 8.5 बाय 13.5 का एक मेन फैब्रिक लेना है और ये हमने 3 बाय 7 का एक मेन फैब्रिक लिया है। 3 बाय 7 का हमें एक मेन फैब्रिक लेना है और ये हमने 3 बाय 3.5 का एक मेन फैब्रिक लिया है। 3 बाय 3.5 का हमें एक मेन फैब्रिक लेना है और ये हमने 9 इंच की जिप ली है और इसमें हमें सिंगल रनर डालना है। सबसे पहले हम 7.5 बाय 9.5 का ये मेन फैब्रिक लेंगे और 7.5 की साइड में हम यहाँ पर 1/2 इंच पे अंदर की साइड में मार्क करेंगे। ये हमने देखिए 1/2 इंच पे मार्क किया और ऐसे ही इस साइड भी 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे। जिस साइड हमने देखिए बुकरम को पेस्ट किया है उसी साइड हमें दोनों साइड से 1/2 इंच पे मार्क करना है और इस कॉर्नर को हमें इस वाले पॉइंट से ऐसे देखिए यहाँ पर मिलाते हुए सीधे मार्क करना है। इस साइड हमने देखिए सीधे मार्क कर लिया है और ऐसे ही इस साइड भी हम इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए मार्क कर लेंगे और इस साइड भी हमने देखिए मार्क कर लिया है। अब जो हमने ये दोनों मार्क किया है, दोनों मार्क वाले लाइन पे हम इसको कट कर लेंगे। दोनों साइड से मार्क वाली लाइन पे हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसका हमें दूसरा पार्ट लेना है और इसमें भी दोनों साइड से जिस साइड हमने बुकरम पेस्ट किया है उस साइड दोनों साइड से 1/2 इंच मार्क करना है। इसके बाद ऐसे मार्क करते हुए इस पार्ट को भी हम इसी शेप में कट कर लेंगे। इस पार्ट को भी हमने देखिए इसी शेप में कट कर लिया है। अब इसमें से हम एक पार्ट को लेंगे, इसको लेंगे और इसकी सीधी साइड में आएंगे और ये हम 9 इंच की जिप लेंगे। इस जिप को हम देखिए यहाँ से ऐसे अलग कर लेंगे। जिस साइड हमने यहाँ पर बुकरम पेस्ट नहीं किया है उस साइड हमें जिप को अटैच करना है। तो हम पहले दोनों कॉर्नर्स पे 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमने 1/2 इंच पे देखिए दोनों साइड से मार्क कर लिया है। अब मार्क वाले पॉइंट पे हम इस जिप को ऐसे रखेंगे। राइट साइड जिप का इस साइड होगा, ये राइट साइड है प्लेन पीस का और ये राइट साइड जिप का, दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और इस जिप को ऐसे रखेंगे और पॉइंट पे हम देखिए जहाँ पर 1/2 इंच मार्क किया है वहाँ पर हम जिप को ऐसे ऊपर की साइड में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जो दूसरा मार्क किया है यहाँ तक हम स्टिच करके जिप को इसमें पहले अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने देखिए जिप को प्लेन पीस में अटैच कर दिया है। मार्क जो हमने किया था उस पॉइंट पे हमें जिप को रखना है और थोड़ा सा ऊपर की साइड में एक साइड से फोल्ड करना है और दूसरी साइड में हम देखिए मार्क वाले पॉइंट तक ही हम स्टिच करके जिप को अटैच करेंगे। और अब हमें इसकी लाइन लेनी है,
ये हम इसकी लाइनिंग लेंगे और इस लाइनिंग को भी हमें इसी शेप में कट करना है जैसे हमने दोनों साइड से यहाँ पर हाफ इंच मार्क करके कट किया है, वैसे ही इस लाइनिंग को भी हमें इसकी दोनों लाइनिंग को इसी शेप में पहले कट करना है। दोनों लाइनिंग को हमने देखिए शेप में कट कर लिया है। अब इसमें से हम एक प्लेन पीस लेंगे और ये जिप वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमने अटैच किया जिप को, और इसको हम प्लेन पीस को ऐसे जिप के ऊपर ऐसे सेट करेंगे और ये वाली जो जिप है इसको हम अंदर की साइड में कर लेंगे जैसे ये साथ में स्टिच ना हो। तो हम दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे सेट करेंगे, इसके ऊपर हम ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें हम प्लेन पीस को अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए सीधे स्टिच करते हुए इसमें अटैच कर दिया है। अब थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा जिप है जिसको हमने ऊपर की साइड में फोल्ड किया था इसको हम देखिए कट कर लेंगे। ये हमने कट किया जिप को और प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे बैक साइड में कर लेंगे, ऐसे हम सेट करेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे और यहाँ पर देखिए इस पार्ट को सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इस पर हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने देखिए सीधे स्टिच कर लिया है और जिप देखिए नीटली अटैच हो गई है इसमें। और अब हमें इसका दूसरा पार्ट लेना है, देखिए ये मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग और जिप का ये दूसरा पार्ट लेना है। और इस प्लेन पीस को लेते हुए पहले हम इसमें सेट करेंगे, देखिए जिस साइड हमने बुकरम अटैच नहीं किया है उस साइड हम यहाँ पर इसको ऐसे सेट करेंगे। देखिए ऐसे सेट करेंगे, जिस साइड हमने जिप को फोल्ड किया है इसकी दूसरी साइड में हमें यहाँ पर जिप को फोल्ड करते हुए इसमें अटैच करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस वाले पार्ट में हमें जिप को अटैच करना है। तो इस साइड हमें यहाँ पर जिप को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम पहले हाफ इंच मार्क करेंगे दोनों साइड से, जैसे हमने जिप और प्लेन पीस को इसमें स्टिच करके अटैच किया है ऐसे ही इसमें भी हमें स्टिच करके अटैच करना है। तो हम देखिए जिप का राइट साइड दोनों एक साइड में रखेंगे और इस साइड हम फोल्ड करते हुए जिप को रखेंगे, देखिए ऊपर की साइड में थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके दूसरे पॉइंट तक स्टिच करके हम जिप को इसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद प्लेन पीस को भी हम इसमें स्टिच करके अटैच कर देंगे। इस पार्ट में भी हमने देखिए जिप और प्लेन पीस को लेते हुए इसमें अटैच कर दिया है और इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है। और अब हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो ये दोनों मेन फैब्रिक्स को हम एक साइड में करेंगे, देखिए दोनों मेन फैब्रिक्स को एक साइड में और दोनों प्लेन पीस को एक साइड में करेंगे, ऐसे हमें सेट करना है। और ये देखिए दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे, दोनों स्टिच लाइन को देखिए ऐसे हमें सेट करना है। ये हमने सेट किया है यहाँ पर और पिनअप कर लेंगे और ऐसे ही इस साइड आएंगे और इस साइड भी हम देखिए जिप को अंदर करेंगे जिप वाले पार्ट को और दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाते हुए इस साइड भी हम पिन लगा लेंगे। इसको हम देखिए ऐसे सेट कर लेंगे, पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है। अब देखिए इस साइड से हम यहाँ पर 4 इंच का ऐसे गैप छोड़ते हुए ऐसे हम पूरा राउंड में स्टिच कर लेंगे और दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। तो हम यहाँ से लाइनिंग की साइड में हम 4 इंच का गैप छोड़ते हुए राउंड में स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे। का गैप छोड़ते हुए हमने राउंड में स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। और अब देखिए कॉर्नर्स को हम ओपन करेंगे, ऐसे हम इसको ओपन करेंगे, ऐसे हमें ओपन करना है और इस कॉर्नर पे देखिए स्टिच लाइन को सेंटर में हमें सेट करना है। ये हमने देखिए सेंटर में स्टिच लाइन को सेट किया और यहाँ पर हम यहाँ पर 1/4 इंच पे मार्क कर लेंगे, देखिए 1/2 इंच से थोड़ा सा 2 सूत हमें थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पर ऐसे कॉर्नर पे मार्क करना है। ये हमने मार्क किया और ऐसे ही हमें चारों कॉर्नर्स को ओपन करना है और ऐसे ही हमें इसमें मार्क करना है। तो हम देखिए ऐसे कॉर्नर को ओपन करेंगे, स्टिच लाइन को हमें सेंटर में सेट करना है, देखिए ये हमने सेट किया और यहाँ पर भी हम 1/4 इंच पे मार्क कर लेंगे, ये हमने 1/4 इंच पे मार्क किया और ऐसे ही चारों कॉर्नर्स पे हम मार्क कर लेंगे। चारों कॉर्नर्स पे हमने देखिए मार्क कर लिया है। अब देखिए जो हमने मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे हम यहाँ से स्टिच करते हुए चारों कॉर्नर्स पे यहाँ से लॉक कर देंगे।
चारों कॉर्नर्स में हमने देखिए पौन इंच भी मार्क किया। यहाँ पर हाफ इंच थोड़ा सा 2 सूत्र में बढ़ा के यहाँ पर मार्क करना है और यहाँ पर देखिए चारों कॉर्नर्स को स्टिच करके हमें लॉक करना है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए चारों कॉर्नर से कट कर लिया है। अब ये ओपन पार्ट है, इस साइड से हम इसको पलट के सीधी साइड कर लेंगे। प्लेन पीस को पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब देखिए जो ओपन पार्ट है इसको अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और इस साइड से स्टिच करके इसको लॉक कर देंगे। इस साइड हमने सीधे स्टिच करके प्लेन पीस को लॉक कर दिया है। अब इस प्लेन पीस को हम अंदर की साइड में सेट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए इन पॉकेट के अंदर सेट कर लिया है और अब हमें 8.5 by 13.5 का ये हमें मेन फैब्रिक लेना है और इसकी बैक साइड में हमने पेस्टिंग बुकरम को लेते हुए यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसको हम देखिए यहाँ पर 13.5 की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके इस साइड हम स्टिच करके इसको लॉक कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को लॉक कर दिया है। अब देखिए इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे और ये जो स्टिच लाइन है इसको हम देखिए ऐसे करते हुए ओपन कर लेंगे। इसको भी ऐसे करके यहाँ पर प्रेस करेंगे। ये हमने देखिए साइड प्रेस कर लिया स्टिच लाइन को ओपन करते हुए। अब देखिए दोनों साइड से हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करना है। देखिए ऐसे 1/2 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए ऐसे हम प्रेस कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है। ऐसे ही इस साइड भी हम 1/2 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और इस साइड भी हम ऐसे प्रेस कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए 1/2 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए यहाँ पर प्रेस कर लिया है। अब देखिए इसको हमें ऐसे पलट के इस वाले पार्ट में ऐसे मिलाना है। देखिए फोल्ड करना है ये वाला पार्ट, ऐसे करते हुए इस साइड हम इसमें फोल्ड कर लेंगे। ये हम ऐसे करेंगे, इसको हमें ऐसे सेट करना है। जो 1/2 इंच अंदर की साइड में फोल्ड किया था उसको हम अंदर की साइड में करेंगे। दोनों स्टिच लाइन को देखिए मिलाते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। देखिए 1/2 इंच दोनों पार्ट्स को हमें फोल्ड करते हुए अंदर की साइड में सेट करना है और ऐसे सर्किल में हम पहले पिनअप करेंगे। इस साइड हमने पिनअप कर लिया है, ऐसे ही हम राउंड में पूरा सेट कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए दोनों पार्ट्स को लेते हुए ऐसे हम सेट करेंगे और पिन लगा लेंगे। पहले दोनों पार्ट्स को हमने देखिए 1/2 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए देखिए पिनअप कर लिया है चारों साइड से। और अब देखिए ये जो स्टिच लाइन है, स्टिच लाइन को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए इसकी दूसरी साइड में ये स्टिच लाइन है, इसकी दूसरी साइड में हम यहाँ पर मार्क करेंगे। देखिए इस साइड हम मार्क कर लेंगे, इस साइड हमने देखिए यहाँ पर मार्क कर लिया है। देखिए स्टिच लाइन को हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करते हुए इसकी दूसरी साइड में यहाँ पर हमें मार्क करना है। और अब हमें 3/7 का ये मेन फैब्रिक लेना है और इसको हम देखिए सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे। ये हमने प्रेस किया, अब थोड़ा सा पार्ट हम सेंटर वाले मार्क पे ऐसे सेट करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर प्रेस करेंगे। और दूसरी साइड में भी हम थोड़ा सा पार्ट सेंटर वाले मार्क पे ऐसे सेट करते हुए इस साइड भी प्रेस कर लेंगे। ये हमने प्रेस कर लिया, अब एक बार और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सेट करेंगे और इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके इस स्ट्रैप को हम रेडी कर लेंगे। इस स्ट्रैप को हमने देखिए फोल्ड करते हुए दोनों साइड से स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर से इसे कट कर लेंगे। इसको हमने देखिए कट कर लिया है, अब एक स्टेप को लेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये जो स्टिच लाइन है यहाँ पर, जो ये स्टिच लाइन है इस साइड हम पिन को ओपन करेंगे और स्टिच लाइन पे हम देखिए ऐसे इसको सेट करेंगे अंदर की साइड में, ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। देखिए स्टिच लाइन के सेंटर में हमें इस स्टेप को सेट करना है और पिन अप करना है। इस साइड हमने देखिए पिन अप कर लिया है, ऐसे ही दूसरी साइड में आएंगे जिस साइड हमने यहाँ पर मार्क किया था। और इसको हम देखिए दूसरी स्ट्रैप को ऐसे फोल्ड करेंगे और मार्क वाली लाइन पे ऐसे हम सेंटर में सेट करते हुए इसको, इस स्ट्रैप को सेट करते हुए यहाँ पर पिन अप कर लेंगे।
इस साइड भी हमने देखिए पिन अप कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पिन को ओपन करते हुए राउंड में स्टिच करेंगे और ये जो ओपन पार्ट है इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे और इस स्ट्रैप को भी हम यहाँ पर स्टिच करके अटैच कर देंगे दोनों साइड से। राउंड में स्टिच करके हमने यहाँ से देखिए इसको लॉक कर दिया है और जो स्ट्रैप है दोनों साइड से स्टिच करके हमने इसमें अटैच कर दिया है। और अब हमें ये वाला पार्ट लेना है जिसमें हमने जिप को अटैच किया था और इस पार्ट को हम देखिए इसके अंदर ऐसे सेट करेंगे। जो ये स्टिच लाइन वाला पार्ट है वो हमारा बॉटम की साइड में होगा और इसको हम ऐसे करते हुए जिप की साइड में ऐसे ऊपर सेट करेंगे। ये जो स्टिच लाइन है इस पार्ट की, इस स्टिच लाइन को और इस वाली स्टिच लाइन को दोनों को मिलाते हुए हम जहाँ पर हमने यहाँ पर दाब सिलाई दी है इस साइड हम दोनों पार्ट्स को सेट करेंगे। देखिए दोनों पार्ट्स को हमें स्टिच लाइन को दोनों को मिलाना है और यहाँ पर ऐसे सेट करना है। इसे हम पिन लगा लेंगे और ऐसे ही इस साइड आएंगे और इस साइड भी हम देखिए ऐसे सेट करेंगे। इस साइड हम देखिए ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें राउंड में स्टिच करना है और इस वाले पार्ट को हमें अटैच करना है। तो ये जो स्टिच लाइन है यहाँ पर जो हमने दाब सिलाई दी है, दाब सिलाई वाले पार्ट में हम इस पार्ट को ऐसे दोनों को ऐसे सेट करेंगे। ऐसे हम देखिए सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके इस पार्ट को हम इसमें अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करते हुए हमने देखिए इस पार्ट को इसमें अटैच कर दिया है। जो हमने दाब सिलाई दी थी इस वाले प्लेन पीस में उसके ऊपर हमें स्टिच लाइन पे ऐसे रखना है और ऐसे स्टिच करके इसमें अटैच करना है। और अब हमें ये रनर लेना है और जिप में हमें रनर डालना है। तो हम दोनों जिप को ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर जिप में रनर डाल लेंगे। इस साइड हमने देखिए जिप में रनर डाल लिया है और जिप हमारी देखिए इस साइड से लॉक हो गई है। और अब हमें 3x3.5 का ये प्लेन पीस लेना है और इसको हम 3 की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड सीधे स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को लॉक कर दिया है। अब हम जिप लेंगे और जिप को हम देखिए इसके अंदर डालते हुए दूसरी साइड से हम जिप को बाहर की साइड में निकाल लेंगे। जिप को हमने देखिए बाहर की साइड में निकाल लिया है। अब जो ये प्लेन पीस की स्टिच लाइन है इसको हम देखिए फ्रंट साइड में ऊपर की साइड में सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर सेट करते हुए इस साइड स्टिच करके इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। इस साइड हमने देखिए यहाँ पर स्टिच करके प्लेन पीस को जिप में अटैच कर दिया है। अब इसको हम ऐसे ओपन कर लेंगे। ये हमने ओपन किया और प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार और ऐसे फोल्ड करते हुए स्क्वायर शेप में स्टिच करके यहाँ से हम प्लेन पीस को लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को डबल फोल्ड करते हुए साइड स्टिच करके हमने लॉक कर दिया है और जिप हमारे साइड से देखिए लॉक हो गई है। और ये हमारा पेन पेंसिल पाउच बनके रेडी हो गया है। इसको हम देखिए ओपन करेंगे। इस साइड अपना स्टेशनरी का सामान देखिए सेट करते हुए आप रख सकते हैं और इसको आप देखिए स्टडी टेबल पे भी सेट करके रख सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा ऐसे स्टेप से थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा पाउच शॉर्ट हो जाएगा। देखिए ये पाउच हमारा ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। जब इसमें अपने सामान को सेट करेंगे तो ये पाउच ऐसे शॉर्ट हो जाएगा और ये साइड में जब स्टडी टेबल पे रखा रहेगा तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें अपने सामान को आप सेट करते हुए रख सकते हैं अच्छे से। इसको आप देखिए ऐसे लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं और इसको जिप से हम लॉक कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा पेन पेंसिल पाउच पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।